Hello students, welcome to Angan Public School. Good morning. I hope you all are fine. Today we will learn Art and Craft, Standard 4th. So open your Art and Craft. Last lecture में हमने page number 17 किया था. Today we will learn page number 18. Okay. Paper duck. Make a paper deck by following steps given on instruction sheet and paste in it here. Okay, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो डक दिया गया है देखो, तो यहाँ पे आपको एक पेपर लेके पेपर लेना है और उसमें से डक ऐसा डक बनाना है. ओके, ऐसा डक बना के यहाँ पे पेस्ट करना है. ओके, क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे लगाना है. ओके, अंडरस्टैंड. फिर है पेज नंबर 19. तो इसमें क्या करना है, मेक अ पेपर स्नैक विथ द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन इंस्ट्रक्शन सीट एंड पेस्ट इट हियर. ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें जैसे मैंने आपको डक में बताया था वैसे ही ये स्नैक है. तो आपको पेपर, आपका जो कागज है पेपर है वो लेना है. उसके बाद इस तरह से उस पेपर को बनाना है, स्नैक बनाना है. ओके, क्या बनाना है, स्नैक बनाना है. उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करना है. ओके, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करना है. उसके बाद पेज नंबर 20. बेबी रैबिट्स आर हैविंग फन विथ देयर मदर. कलर दिस ब्यूटीफुल पिक्चर विथ पेंसिल कलर्स. तो यहाँ पे बेबी रैबिट है, वो उसके मदर के साथ क्या कर रहा है, फन कर रहा है. ओके, फन कर रहा है. तो इसमें आपको क्या करना है, ब्यूटीफुल कलर डालने हैं. पर कौन से कलर, पेंसिल कलर. ओके, कौन से कलर, पेंसिल कलर का ही यूज़ करना है आपको. देन कंस्ट्रक्ट अ रिप्लिका ऑफ द पोस्टर इन योर बिग स्केच बुक. ओके, तो इसमें क्या करना है, फिर आपके पास जो अपनी बड़ी स्केच बुक है, ओके, स्केच बुक है, तो इसमें पोस्टर की प्रतिकृति बनाइए. ओके, तो इस पोस्टर की प्रतिकृति यानी कि ये पिक्चर बनाई. ओके, समझ में आ गया. उसके बाद कलर, सब कलर में ले लो. ओके, कलर में स्टैंडर्ड 4th. सो ओपन योर कलर में. हमने लास्ट का कहाँ पे किया था, पेज नंबर 13 तक किया था, है ना, 13 तक किया था. उसके बाद अ बॉय इज प्लेइंग अ वायोलिन. लेट्स कंप्लीट द पिक्चर बाय कलरिंग इट्स यूजिंग क्रेयॉन्स. तो आपको पता है, देखो चित्र में इस जो पिक्चर है उसमें दिखाया गया है कि जो बच्चा है, एक बॉय है, एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, वायोलिन से खेल रहा है, यानी वायोलिन बजा रहा है. ओके, तो वो आपको दिखाई दे रहा है. तो इसमें क्या करना है, ये पिक्चर कंप्लीट करने के लिए इसमें कलर डालने हैं. ओके, देखो छोटा सा पिक्चर भी हमें दिया गया है, तो इसमें कलर डालने हैं. और किसका यूज़ करना है, क्रेयॉन्स का. ओके, क्रेयॉन्स का ही यूज़ करना है, और किसी स्केच पेन, वाटर कलर, कुछ भी और कोई कलर यूज़ नहीं करने हैं, सिर्फ क्रेयॉन्स कलर यूज़ करने हैं. ओके, पेज नंबर 15. थ्री चिक्स. टेक आउट क्रेयॉन्स एंड कलर द पिक्चर ब्राइटली. पेस्ट कॉटन ऑन एक सेल एज शॉन इन अ स्मॉल पिक्चर.
तो इसमें क्या करना है, क्रेयन्स कलर लेने हैं, क्रेयन्स कलर। ओके, आपको क्या करना है, इस पिक्चर में कलर देने हैं ब्राइटली और यूज़ करना है क्रेयन्स का। क्रेयन्स का यूज़ करके इसको कलर देना है। और अंडे के छिलके, तो ये अंडे का छिलका है, उस पर रुई पेस्ट करनी है। ओके, कौन सा रू, यानी कि कॉटन, कॉटन इसमें पेस्ट करना है। देखो छोटा सा पिक्चर हमें दिया गया है, इस तरह से कॉटन हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, चिपकाना है इसमें और इसको कलर देने हैं। और किसका यूज़ करना है, क्रेयन्स कलर का। ओके, अंडरस्टैंड, टर्न पेज, बनी, ट्रेस द पिक्चर एंड कलर इट बाय यूजिंग क्रेयन्स एज शोन इन स्मॉल वन। ओके, तो आपको क्या करना है इसमें, तो स्मॉल पिक्चर हमें दिया गया है, तो उसमें से देखकर हमें ये पिक्चर में कलर डालने हैं। और किसका यूज़ करना है, क्रेयन्स कलर का। ओके, क्रेयन्स कलर का यूज़ करके छोटा सा हमें जो स्मॉल वन पिक्चर दिया गया है उसमें से देखकर इसमें कलर डालने हैं। ओके, आ गया समझ में। उसके बाद पेज नंबर 17, शिप, जॉइन द डॉट्स टू कंप्लीट द शिप, कलर इट बाय यूजिंग क्रेयन्स। तो आपको क्या करना है, ये जो डॉट्स डॉट्स है ना, उसको लाइन करके कंप्लीट करना है, सबको जॉइन करना है। ओके, सबको जॉइन करके कंप्लीट करके इसमें कलर डालने हैं। हमने छोटा सा स्मॉल पिक्चर दिया गया है वैसा ही, उसमें से देखकर आप इसमें कलर डाल सकते हो। ओके, तो किसका यूज़ करेंगे, क्रेयन्स कलर का। ये डॉट्स हमें है वो जॉइन करने हैं, उसके बाद क्रेयन्स कलर है, उसमें क्रेयन्स कलर इस पिक्चर में डालने हैं। ओके, अंडरस्टैंड, टर्न पेज, पेज नंबर 18, कलर द पिक्चर बाय यूजिंग वाटर कलर्स ब्यूटीफुली एज शोन इन स्मॉल वन। देखो, तो आपको क्या करना है, इसमें स्मॉल वन पिक्चर हमें दिया गया है, उसमें से देखकर इसमें कलर डालने हैं। और किसका यूज़ करना है, वाटर कलर का। ओके, वाटर कलर का यूज़ करके ये जो पिक्चर है उसको ब्यूटीफुल बनाना है। ओके, अंडरस्टैंड। इसके बाद पेज नंबर 19, हंगरी पप्पी, दिस पप्पी हैज़ बीन क्रिएटेड यूजिंग मोसाइक टेक्नोलॉजी टेक्निक, फॉलो द सॉन्ग फॉर द बिग पिक्चर एंड कलर द रिमेनिंग पार्ट यूजिंग क्रेयन्स। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे जो पप्पी है, पप्पी मोजेक टेक्निक का यूज़ करके बनाया गया है। ओके, मोजेक टेक्निक का यूज़ करके बनाया गया है, स्मॉल पिक्चर आप देख सकते हो। बड़ी तस्वीर के लिए उसी का पालन करो और रिमेनिंग पार्ट यानी कि शेष भाग को क्रेयन्स का यूज़ करके रंग दो। ओके, से और क्या करना है, जो पार्ट हमारा रह जाता है उसमें क्रेयन्स कलर यूज़ करना है। ओके, उसमें क्रेयन्स कलर यूज़ करने हैं। और इसमें क्या करना है, मोजेक टेक्निक का यूज़ करके। ओके, यहाँ पे मोजेक टेक्निक का यूज़ किया हुआ है, तो वही हमें यहाँ पे करना है। ओके, अंडरस्टैंड, टर्न पेज, पेज नंबर 20, गर्ल विथ टॉय स्कूटर, कलर द पिक्चर बाय यूजिंग क्रेयन्स एज शोन इन अ स्मॉल पिक्चर। तो हमें यहाँ पे स्मॉल पिक्चर दिया गया है, इसमें से देखकर इसमें क्या करना है, कलर डालने हैं। ओके, इजी है, इसमें से देखकर इसमें कलर डालने हैं। ओके, और किसका यूज़ करना है, क्रेयन्स का, क्रेयन्स का यूज़ करना है। ओके, समझ में आ गया।
तो यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय।